आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल हमारा टॉपिक है और पिवट टेबल समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में सोनू जी मैंने कल भी आपको डिस्कस बताया था कि पिवट टेबल के जरिए हम अपने ऑफिस की मोस्टली रिपोर्ट को क्रिएट कर लेते हैं। पिवट टेबल का काम है डेटा को समराइज करना कि किस तरीके से डेटा को हम समराइज करते हैं, ये हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था। तो चलिए उसी को जी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम डेटा देख लिया, डेटा हमारे पास है, डेटा को समझ लीजिए एक सेल्स का डेटा है जो कि कॉलिंग करते हुए सेल्स सेल की जाती है और यहाँ इसके वेबसाइट्स है। तो मुझे अब इसमें से मुझे रिपोर्ट क्या चाहिए, तो मुझे रिपोर्ट चाहिए कि किस सेल्स मोड से किस वेबसाइट से कितने क्वांटिटी का सेल हुआ है, हमें इसके बारे में पता करना है, और कितनी क्वांटिटी का सेल हुआ है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इसके लिए कितने कॉल्स किए गए हैं, पूरी एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो हम डेटा पे इंसर्ट पे जाते हैं, पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो एक नई शीट पे हमारा पिवट टेबल लग जाता है जो एक पिवट एरिया है और ये हमारे पास फील्ड है। तो मुझे इस फील्ड में से डेटा उठा के यहाँ पे रखना है। तो मुझे चाहिए कि किस सेल्स मोड में ने किस वेबसाइट से, तो किस वेबसाइट से, तो साइट को लेकर हमने आप लिखा और कितनी क्वांटिटी को सेल किया है। तो मुझे जस्ट इसी को पता करना है कि किस वेबसाइट ने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो ये आपके सामने है। लेकिन किस वेबसाइट ने कितनी क्वांटिटी कॉल सेल की है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और कितने इसके लिए कॉल्स किए हैं, तीन इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ टोटल कॉल्स यहाँ पे टोटल को यहाँ रख देता हूँ, टोटल कॉल्स को यहाँ रख देता हूँ। तो ये रिपोर्ट आपके सामने हो गई। अब इस रिपोर्ट को देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इससे अच्छा होगा कि हम क्या करेंगे, जो साइट है इस साइट को हम यहाँ रो के नीचे रख देते हैं, तो रिपोर्ट इस तरह से आपके सामने दिख जाएगा कि एफिलिएटेड मार्केटिंग ने सुजीत कुमार .co.in से साइट किया है, इतनी क्वांटिटी सेल किया। और यहाँ पे एक दिक्कत और भी है कि डबल डबल रिपीटेड है, मतलब ए बी और यहाँ भी दिख रहा है। तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ सब टोटल सेल्स मोड को अनचेक कर देता हूँ, तो रिपीटेशन आपका हट जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी, टोटल ग्रांड टोटल एंड सम ऑफ द टोटल कॉल्स आपके सामने दिख गया। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा, अगर आपको पिवट के जरिए पिवट चार्ट बनानी है तो आप इस तरह की समरी ना क्रिएट करें। क्यों? क्योंकि तो मान लीजिए कि मैं इस पे अगर चार्ट बनाया यहां से, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरा सिर्फ जो टोटल है, रेवेन्यू है, टोटल है वही दिखेगा, बाकी क्योंकि टोटल के मुकाबले में क्वांटिटी और कॉस्ट इतने छोटे हैं कि यहाँ पे वो दिखेगा ही नहीं। तो इसे इसके लिए मुझे अब तीन है तो तीन में ये नहीं कर सकता ना, क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी एक्सेस नहीं कर सकता, तो अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसा हो तो फिर आप दो तीन पीवर्ड अलग अलग बना लें, वो आगे हम आपको इसके बारे में बताएंगे। क्लियर है? मैं सोनू जी और गुलशन जी को जी सर, क्या बोल रहा था? चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर, पीयू जी काफी लेट हो गए आप। यस सर, सॉरी सर, मैं शॉप पे जाता हूँ तो थोड़ा आने में थोड़ा लेट रहता है, या 5-10 मिनट। ओके, तो ये हमारा इस तरह से हम समरी को क्रिएट करते हैं। और जैसे कि कल बताया था, जैसे एक ही कॉलम में अलग अलग कॉलम में करना है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए और पिवट टेबल ऑप्शन पे चले जाइए और यहाँ पे आप कर दीजिए डेट, इसमें डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट, तो ये अलग अलग इसमें आपके सामने आ जाएगा, तो रिपोर्ट और थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, जैसे कि मुझे टोटलिंग जो है मुझे नहीं शो करनी है,
तो राइट क्लिक करके आप पिवट टेबल ऑप्शन पे आए और आपके सामने यहाँ टोटल फिल्टर्स हैं, इसको अनचेक कर दें तो ये टोटल्स आपको नहीं दिखेगा। और हेडिंग वगैरह आप अपने हिसाब से चेंज कर ही सकती है, मैंने बताया आपको। तो चलिए इसमें और हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम पिवट टेबल थोड़ा सा और पिवट बनाते हैं अलग से थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और मैंने नेम के नीचे हमने ले लिया अपना प्रोडक्ट, और फिर हमने इसकी क्वांटिटी ले ली या अमाउंट, मान लिया हमने टोटल ले लिया। अब मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ नेम है, तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, शॉर्ट कीजिए और शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलर आसानी से कर सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट आपके सामने होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट को यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद अगर आप शॉर्ट करते हैं, तो आप इस पे क्लिक के अगर क्लिक करके अगर शॉर्ट करते हैं तो आपके जो भी नेम है वो नेम शॉर्ट होंगे, लेकिन जो आपके प्रोडक्ट है जहाँ है जैसा है वही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट टू लार्जेस्ट कर दिया या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया मैं, तो आपका डीवीडी जहां है वहीं पर है, लेकिन आपका नेम टीना हो गया, इंद्र हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जब मैं इस पे राइट क्लिक करके शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट हमने कर दिया, तो अब जो है शॉर्ट जो हुआ वो सिर्फ प्रोडक्ट का शॉर्ट हुआ, जो नेम जिस पोजीशन में था आपका वही पोजीशन में है, सिर्फ आपका क्या शॉर्ट हुआ है, तो आपका शॉर्ट हुआ है आपका नेम, ये आपका शॉर्टिंग। ऐसे आप कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेल्स मोड को लेके कॉलम में रख दिया और मुझे कॉलम वाइज शॉर्ट चाहिए, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके शॉर्ट करूंगा ए टू जेड और जेड टू ए, तो हमारा कॉलम भी उसी हिसाब से शॉर्ट होगा। तो कॉलम को भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो पीयूष जी कोई दिक्कत इसमें आपको? नो सर। विवेक जी आपने ज्वाइन किया है? जी। चलिए हेलो। हाँ, पीसी के नाम से किया ना, मुझे पता नहीं चला। तो अल्ट हाँ सर। अल्ट प्लस आर कर लीजिए ताकि आप सेशन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। हाँ, एल प्लस आर। अब यहां पे हम आगे बात करते हैं इससे आगे। ये हमारा शॉर्टिंग था, शॉर्टिंग समझ में आ गया। अब शॉर्टिंग के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए मेरा रो फिल्टर है, तो यहां से मान लीजिए कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही शो करना है, तो मैं प्रोडक्ट पे कर्सर रखा तो यहां देखिए डीवीडी दिख रहा है। तो मुझे तीन प्रोडक्ट चाहिए, डीवीडी रैम और सीडी चाहिए। तब हमारा डीवीडी रैम सीडी दिखेगा हर एक नेम का। अगर मैं कर्सर रखा इस पे, वेज पे कर्सर रखा, तो अब फिल्टर में देखिए हमारे पास सिर्फ नेम आएंगे। तो फिल्टर लगाते समय ध्यान रखिएगा कि आपका कर्सर कहाँ है। अगर आपने रो वाले पार्ट में अगर आपने मोर देन वन फिल रख रखा है और वो आपका नॉर्मल व्यू में है, अगर वो क्लासिकल व्यू में है या फिर आपका इसमें है टेबलेट फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अलग अलग फिल्टर आपके सामने है, आप अलग अलग फिल्टर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक साथ है तो ध्यान रखिएगा। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे सेलेक्ट करना है, अभी से कर्सर के हिसाब से आ रहा है, अब मैं इस पे कर्सर रखता हूं तो यहां पे मैं देखिए मेरे पास फिर भी नेम आ रहा है। तो मान लीजिए मुझे इसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है सेल्स के अकॉर्डिंग, बट यहां पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप यहां पे आपके सामने दिखेगा लेवल फिल्टर। लेवल फिल्टर है तो मतलब कि आपके इस कॉलम में जो प्रोडक्ट है उसका फिल्टर लग रहा है। अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया वैल्यू फिल्टर तो आपकी वैल्यू है। तो जैसे मैंने बोला कि वैल्यू में टॉप 10, तो टॉप 10 में मैंने बोला कि भाई टॉप 3 दिखना चाहिए, तो टॉप 3 करके मैंने ओके किया तो आपके टॉप 3 डेटा आ रहा है। और मैं यहाँ से तो हर पर्सन जो भी हमारे सेल्स पर्सन है उसने हाईएस्ट किस क्या सेल किया है वो आपका टॉप 3 यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। तो इस तरह से फिल्टर का आप यूज कर सकते हैं रो फिल्टर को। अब हम बात करते हैं कॉलम फिल्टर का। मान लीजिए कि मैंने प्रोडक्ट को रख दिया यहाँ पे और मुझे फिल्टर करना है इसमें, तो
तो मैं यहां से प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा और यहां से हम जिस प्रोडक्ट को चाहूं उस प्रोडक्ट को कर सकता हूं, या फिर वैल्यू में जैसे मैंने बोल दिया टॉप टू एंड ओके, तो ये आपके टॉप टू प्रोडक्ट आ गए। ओके, अब मैं यहां पे वैल्यू गया और वैल्यू यहां जाने के बाद मैंने यहां पे टॉप टेन में टॉप टू किया एंड तो अब टॉप टू हमारे पर्सन आ गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपने फिल्टर लगाया प्रोडक्ट में लगाया तो उसकी के अकॉर्डिंग आएगा, अगर आपने फिल्टर लगाया नेम में तो उसके अकॉर्डिंग आएगा, जिसके अकॉर्डिंग लगाओगे वो आपको दिखेगा। कोई डाउट इस किसी को इसमें? नो नो सर। विवेक जी, गुलशन जी, कोई डाउट? हाँ, नहीं, अभी मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ, ये फिल्टर वाला आप समझा रहे हैं सर? हाँ, मैं पिवट में फिल्टर लगाना समझा रहा हूँ, हाँ पिवट में, हाँ ठीक है ना। तो ये जो हमने फिल्टर बताया, हमने बताया रो का फिल्टर, हमने बताया रो का फिल्टर कि रो को कैसे फिल्टर करेंगे, या आपने बताया कॉलम का फिल्टर, आप कॉलम का फिल्टर कैसे करेंगे पिवट आपके पास है। तो अब बात करते हैं पेज फिल्टर की। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ओवरऑल रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन मुझे अगर इसमें साइट के अकॉर्डिंग चाहिए तो मैं साइट को यहाँ पर रख दिया और यहाँ से अपने फिल्टर को सेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे आईपीटी का दिखे, या फिर दिखे हमारा सुजीत, या फिर दिखे ऑल कर देंगे तो ऑल का दिखेगा। लेकिन मान लीजिए कि मैं साइट को इसको हटा देता हूँ, मैं इसमें रखता हूँ अपना से मल्टीपल कंडीशन, सेल्स मोड में रख देता हूँ यहाँ पे, और मैं आईपीटी भी रखता हूँ। तो आप यहाँ पे जरूरी है कि आप एक ही रखें, आप एक से ज्यादा फील्ड भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइड में आईपीटी इंडिया को सेलेक्ट किया और फिर इसमें आईपीटी इंडिया के अंदर हम बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन कितने हैं, तो आपके ऑनलाइन वाले प्रोडक्ट दिख गया। ठीक है सर, इस तरह से कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें मल्टीपल कंडीशन, मान लीजिए मुझे रेफरेंस को चाहिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर चाहिए और हमें चाहिए डायरेक्ट सेल, तो मैं यहाँ मल्टीपल सेल्स आइटम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट कर लूंगा, डायरेक्ट और यहाँ पे रेफरेंस। ओके, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूंगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। आ रहे, अभी आ रहे हैं, बैठो, आ रहे हैं, तो अभी आ रहे हैं। आपको फिल्टर समझ में आ गया। तो अभी मैंने दो चीजों पे डिस्कस की, पहले डिस्कस की शॉर्टिंग पर, कैसे डेटा को शॉर्ट करेंगे, फिर हमने बताया आपको फिल्टर के ऊपर किस तरह से फिल्टर को हम करेंगे। अब बात करते हैं मूव। जैसे कि अभी मान लीजिए कि मैं सब हटा देता हूँ, मैं नेम को इसे हटाने देता हूँ, ये सब हटा, इसको हटाने देता हूँ। मुझे मान लीजिए कि उदय को सबसे टॉप में या नीरज को सबसे टॉप पे रखना है, तो अगर मैं अल्फाबेटिकली सॉर्ट करूंगा तो फिर नीरज नीचे आएगा, अगर मैं वैल्यू के कारण सॉर्ट करूंगा तो इसके अगर सेल्स ज्यादा है तभी ऊपर आएंगे या कम है तभी ऊपर आएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यहां से मूव कर सकते हो। आपने मूव में मैंने बोल दिया नीरज टू बिगनिंग, सबसे ऊपर चला गया और अकेले नहीं गया, पूरा सेल्स लेके गया है, तो पूरा सेल्स आपको यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं कि मूव टॉप, यहाँ पे डाउन एंड अप, नेक्स्ट बिगिनिंग कर सकते हैं, और इसी तरह से आप मूव कर सकते हैं अपने कॉलम को। जैसे मुझे मान लीजिए कि जो मेरा रैम है उसको मैं सबसे पहले चाहता हूँ, तो राइट क्लिक, मूव, और मैं यहाँ पे बिगिनिंग अप या फिर मूव टू रो, मतलब कि इसको उठा के नीचे रखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो बिगिनिंग कर दिया सबसे पहले आ गया। इस तरह से आप अपने डेटा को मूव कर सकते हो। कोई डाउट इसमें, मूव में कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं, नो सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसमें अगला ऑप्शन हमारा आता है ग्रुपिंग का। जी हाँ, ग्रुपिंग, जैसे कि मान लीजिए कि हम अपना इसमें लेते हैं प्रोडक्ट को लेते हैं, इसमें सेल्स मोड को लेते हैं, तो सेल्स लेड मोड में रेफरेंसेज, ऑनलाइन, कस्टमर, डायरेक्ट और एफिलेटेड है। तो एफिलेटेड और ऑनलाइन मेरा जो दोनों एक ही है, क्योंकि एफिलेटेड जो है वो भी ऑनलाइन के थ्रू ही चलता है, तो मुझे इसको यहाँ पे ऑनलाइन ऑनलाइन प्लस शो करना है।
मुझे शो करना है ऑनलाइन प्लस वन, अब क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां पे हम इसको करेंगे ग्रो, राइट। अब ग्रुप में हम यहां पे ग्रुप वन आ गया, इस ग्रुप वन को सेलेक्ट करके मैं यहां पे लिख सकता हूं ऑनलाइन प्लस, राइट। राइट क्लिक करके अब यहां पे क्या देखिए, सेल्स मोड टू और सेल्स मोड आया, तो सेल्स मोड टू को रहने देता हूं, सेल्स मोड को हटा देता हूं। तो ये देखिए यहां पे ग्रुप होके आपको दिख गया। इस तरह से अब मैंने दो ही को किया, दो से ज्यादा को भी आप कर सकते हैं, दो से ज्यादा को आप कर सकते हैं इसी तरह से। अब मैं दो से ज्यादा पे एक बार करता हूं, मैं एक काम करता हूं प्रोडक्ट को लेता हूं और यहां पे मैं रखता हूं और यहां पे मान लीजिए क्वांटिटी को हमने आगे यहां रखा। अब मैं डीवीडी रैम और वीसीडीआर इसको इसमें मान लीजिए कि सेल्स वन करना है मुझे, इसको प्रोडक्ट वन, तो इसको मैंने कर दिया पी वन, जो भी नाम देना चाहते हैं नाम दे सकते हो। यहाँ से आप प्रोडक्ट वाले को हटा दीजिए तो आपका वही दिखेगा। तो इस तरह से आप कंबाइन करके मोर देन एक से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम इंसर्ट हैं, अब बात करते हैं हम नंबर ग्रुप्स की। जैसे कि हमने यहाँ क्वांटिटी को रखा और हमने यहाँ पे रेवेन्यू को रखा, मान लीजिए टोटल, तो अब मुझे ये पता करना है कि बिटवीन से 10 to 20 यहाँ पे 10 to 20 वाले में कितने क्वांटिटी, कितने सेल्स हुए, 20 से 40, 40 से 50, ऐसे में स्लैब के अकॉर्डिंग टोटल लिखना चाहता हूँ, एक एक क्वांटिटी को नहीं। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ जाऊँगा ग्रुप के ऊपर और यहाँ हम 0 और या फिर मिनिमम भी हो सकता है, अपना हिसाब से दे सकते हो, मैं 100 कर देता हूँ। और यहाँ पे 10 या उससे ज्यादा के ग्रुप जो रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो एंड हम इसको ओके कर देते हैं। यहाँ देखिए 0 से छोटा कितना सेल है, 10 से 19, 20 से 29, इस तरह से ग्रुप बन के आ गया। इस तरह से ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी नंबर्स के ऊपर। अगर आपकी डेट है, अगर आप डेट के ऊपर ग्रुप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो मैं क्या करता हूं कि अपना जो डेट है इस डेट को यहां रखता हूं और फिर क्वांटिटी को यहां रखता हूं। तो डेट आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं इस पीवर्ड पे, इस फाइल पे कई सारे पीवर्ड्स और कई सारे ग्रुपिंग हम यूज कर चुके हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से दिखेगा, डेट दिखेगा, मुझे इसको मंथली ग्रुप करना है तो राइट क्लिक कीजिए ग्रुप और यहां पर आप मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपका ग्रुप हो जाएगा मंथली। मुझे मंथली क्वार्टरली करना है, दोनों करना है या क्वार्टरली करना है, तो जो करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, मंथ और क्वार्टर कर लीजिए तो मंथ और क्वार्टर आ जाएगा, सिर्फ क्वार्टर कीजिए तो सिर्फ क्वार्टर आएगा। मुझे क्वार्टर और ईयर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्वार्टर्स और ईयर को सेलेक्ट कर लिया एंड ओके, तो आपके सामने आ गया। तो अब इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि ईयर्स को उठा के यहाँ भी रख सकता हूँ, तो मुझे इस तरह से रिकॉर्ड आएंगे, या डेट को उठा के मैं यहाँ रख दूँ, ईयर को मैं नीचे रख सकता हूँ, इस तरह से रिपोर्ट आ सकती है। तो ग्रुप करने के बाद इसको इस तरह से मूव भी आप कर सकते हो।
यही नहीं, मुझे ग्रुप करना है बिटवीन 15 दिन की ग्रुप करना है, तो मैं डेज में गया और यहाँ पे 15 डेट डाल दिया, हर 15 दिन का यहाँ पे आपके सामने ग्रुप हो गया, राइट? क्लियर है जी सर। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी एक दिक्कत ये होती है कि हमें एक, जैसे किसी ने मुझे पूछा था कि मेरे पास डेट पे डेट के हिसाब से कॉल्स आते हैं, डेट के हिसाब से कॉल्स आते हैं, तो मुझे हर आधे घंटे की रिपोर्ट पता करनी है आरएच के नाम से, मुझे यहाँ पे हर आधे घंटे की रिपोर्ट करनी है, हर आधे घंटे की रिपोर्ट देनी है। तो मैं एक रिपोर्ट बना देता हूँ, रैन ऐसे एक बना दिया मैंने, अब मैं इसको इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ से इंसर्ट करता हूँ पिवट, और फिर मैं यहाँ पे आरएस को रखता हूँ, इस तरह डेट आ गया, और हम यहाँ पे क्वांटिटी को रखते हैं, लेकिन मुझे हर आधे घंटे की रिपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ इस पे ग्रुप पे आऊँगा और मैं ईयर क्वार्टर हटा के आवर्स को सिलेक्ट कर दूँ, तो ये देखिए आपके सामने 12 से लेकर 24 घंटे का रिपोर्ट आ गया, लेकिन रिपोर्ट जो आपके सामने आया वो ओवरऑल आया, मुझे डेट के हिसाब से दिखना है, तो ग्रुप आप डेज आवर और डेज सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके सामने हर दिन के रिपोर्ट्स आपको दे देंगे, किस दिन क्या रिपोर्ट जनरेट हुआ है वो सारा आ जाएगा, किस किस घंटे में रिपोर्ट आया है, ठीक है सर? कौन सा ऑप्शन पे आने सर? क्या सर कौन सा ऑप्शन पे जाएंगे अपन? राइट क्लिक करके ग्रुप, ग्रुप पे राइट क्लिक कीजिए ग्रुप, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस है। ओके सर, ओके सर। समझ में आ गया? तो ये हमारी आज की सेशन थी जिसमें हमने आपको बताया पिवट टेबल में ग्रुपिंग करना, पिवट टेबल की जो सॉर्टिंग, फिल्टर, ग्रुपिंग, मूविंग, ये हमने आपके सामने दिखाया। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ओके? तो इसकी फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कोई डाउट होगा तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके, मैं एक बार सबको फाइल भेज देता हूँ। यस सर, आपको भी भेज देता हूँ। थैंक यू। हम इससे आगे बात करेंगे, हम कैलकुलेशन के पिवट टेबल में किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं ये हम आपके साथ। ओके, अब आप लोगों के पास अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरे पास एक डाउट था कि मेरा तो अभी पहले तो चल नहीं रहा, तो प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा हूँ। ओके, एक मिनट, एक मिनट। आपकी ईमेल आईडी है ना पीयूष मित्तल? यस सर, यस सर। विवेक जी, पीयूष जी, सोनू जी, हमने आपको भेज दिया फाइल, एक बार फाइल भेज देता हूँ फिर मैं देखता हूँ। ओके, तो आप लोग ठीक है तो शेयर कीजिए, तो प्लीज विवेक जी, सॉरी पीयूष जी, शेयर कीजिए स्क्रीन, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। सर शेयर पे क्लिक करा स्क्रीन से। देख रही है सर आपको स्क्रीन? हाँ, एक मिनट, ये ओपन कीजिए, एक्सेल ओपन कीजिए। चल तो रहा है, क्या दिक्कत है? मेरा एक्सेल है सर। हाँ, आप ही का एक्सेल है? नहीं चल रहा है सर। क्यों? टाइप कीजिए, कुछ टाइप कीजिए तो। हाँ सर, कुछ टाइप नहीं हो रहा है। कैसे हो, टाइप तो हो रहा है? ये किसी और का कनेक्ट हो गया होगा सर, मेरा नहीं। विवेक स्क्रीन आ रहा है,
हाँ ये मेरे मेरी स्क्रीन है। विवेक जी मैं आपको तो ही बोला था स्टॉप कीजिए, स्टॉप शेयर कीजिए। सॉरी मैंने, ओके सॉरी। ओके पीयू जी आप करिए, आपने कहा शेयर करिए, मैंने शेयर कर शेयर कीजिए शेयर हो गई सर शेयर। हाँ बट आपको लिए तो देखते हैं मिनिमाइज करा एक्सेल को लेना एक्सेल सर ये आ रहा है, इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ ना मैं इसको कैंसिल कर देना, ये इसको कैंसिल करा मैंने एक्सेल खुली अब इस पे क्लिक करूँ सर वर्कशीट पे वर्कबुक पे देखिए आगे नहीं बढ़ रहा है सर यहाँ से आगे नहीं बढ़ता सर। ओके ऊपर जहाँ पे लक्की मित्तल से है ना उसको लॉग आउट कीजिए तो ऊपर में सर ये मैंने साइन आउट कीजिए ये मैंने मेरे भाई की आईडी में डाल दी थी यहाँ पे सर मेरी भी आईडी यस कीजिए ये पीयूष मित्तल वाली सर ये भी लॉग आउट कर दें। हाँ लॉग आउट कीजिए। अब लॉगिन करते हैं इसका मतलब है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का को परचेज किया हुआ है, क्या आप एक्सेल परचेजेज है? एक्सेल कहाँ पे आपने इंस्टॉल किया है? सर मेरा तो लैपटॉप मैंने लिया था सर उसी में था ये, मैंने उसके बाद कुछ परचेज नहीं करा। ओके लैपटॉप जब आपने लिया था उस समय उसने साइन इन किया था क्या? नहीं करा था सर, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था लैपटॉप और मैंने अभी तक चलाया भी नहीं है, अभी देखो 3 ही मंथ हुए। इसीलिए ओके वर्कबुक ओपन कीजिए तो अब होना चाहिए। नहीं हो रहा सर, तो सर आपको एक्स्ट्रा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। सर वो कैसे करेंगे रीइंस्टॉल? आपको एक्सेल का सेटअप लेना पड़ेगा सबसे पहले, किसी और से लेना पड़ेगा सर। देखिए आप रहते कहाँ पर हैं? सर मैं बैतूल के पास घर लोग दिए सानी वहाँ रहता हूँ। तो सर कोई आईटी वाले से संपर्क कीजिए, वो आपको डाल देगा। देखिए एज ए टीचर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पायरेटेड वर्जन यूज करें, 465 इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन है, वो आप परचेज करना चाहो तो कर सकते हो। ऑफिस सर कितने का? 495 रुपये मंथली है सर। वहाँ तो लाइसेंस वर्जन में कुछ ज्यादा लिखा आ रहा था, कुछ 5000 कुछ लिखा हुआ आ रहा है। नहीं 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 400 तो ये है आपका। एक मिनट मैं एक पे मैं अपनी स्क्रीन देता हूँ, सब सेव लीजिए, मैं भी यूज करता हूँ, मैं वही यूज करता हूँ। ये पानी अरे मुझे भी यूज करना पड़ेगा क्या? मैं विवेक बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या ये पायरेटेड जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं यूज करना चाहिए, नहीं यूज करूँ? देखिए पायरेटेड आप यूज करते हैं तो वही बात है कि उसकी एक्टिवेटर को अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा। अब एक्टिवेटर को जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो है उसको वायरस मानता है, कभी आपका एंटीवायरस ऑन हो गया एक्टिवेटर, तो एज ए टीचर तो मैं सलाह नहीं दूंगा पायरेटेड रखें। ऐसी तो चोरी हो गई ना सर, स्टॉप कीजिए ना प्लीज, स्क्रीन स्टॉप कीजिए ना, स्टॉप शेयरिंग कीजिए ना सर, स्टॉप शेयरिंग कर दो। ओके ठीक है सर। तो आप अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो लाइसेंस वर्जन में मजा ही कुछ और है, उसमें सारे लेटेस्ट फीचर जैसे आते हैं वो अपने आप अपडेट हो जाते हैं। हाँ ये बात है क्या? पहले ये है देखिए ऑफिस 365 आपका है, अगर आप इसको परचेज करते हैं तो इसका मंथली सब्सक्रिप्शन जो है पर्सनल का जो है वो 400 जीएसटी के साथ 400 कुछ पड़ता है। अगर मैं इसकी इस पे देखूं प्रोडक्ट में जाऊं प्राइजिंग है लिस्टिंग, मैं भी इसे यूज करता हूँ, मेरा अलग
ये फिर ये मंथली पे करता हूँ, मंथली पे करता हूँ। मर्जी आसान होता है ना सर, जब मर्जी तब दिया, जब मर्जी नहीं नहीं दिया। हाँ ये ठीक है। क्या अब हम ईयरली कर लेंगे तो फिर वही होगा ना। अब देखिए ये तरीके डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट पे जाकर के। हाँ मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने खोल रहा है, यूएस का साइट खुल गया था, ये मैंने इंडिया का खोला है, आगे इंडिया का साइट, ठीक है ना। फॉर होम स्विच द इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये आपका ये दिख रहा है, आपका ईयर है दिख रहा है आपका, ये आपका अपराध इस महीने बाय 5:30 पर मंथ। उसके बाद आपका ये आता है ऑफिस इज ए पर्सनल, ये होम हो गया आपका, आपका आ गया पर्सनल, ये आ गया 4:20 पर मंथ। और दूसरा है कि 8,000 में आप इसको होम असिस्टेंट वर्जन परचेज कर सकते हो, लेकिन 8,000 में मंथ। हाँ ये लाइफ टाइम के लिए, लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आपको असिस्टेंट वर्जन मिलेगा। स्टूडेंट वर्जन में सर क्या कुछ फीचर्स कम रहते हैं? हाँ फीचर इसमें देखिए ना आप, साफ देखिए इसमें आपको वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें आपको एक्सेस पब्लिशर्स आउटलुक ये सब। तो सर वैसे भी इतने तो यूज ही नहीं करते सर, एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट काफी होंगे ना, अगर जैसे अलग परचेस करते क्यों एक्सेस की जरूरत पड़ जाएगी आपको? वर्ड तो ये आपका पावर पॉइंट छोड़िए, आउटलुक की जरूरत पड़ सकती है आपको। दूसरा बात ये देखिए ना, आपको 7,000 रुपये एक बार में लग रहा है ना आपको यहाँ पे, ये आपको मंथली सिस्टम है। ओके मंथली में ये है कि कभी भी हम करना हाँ, चाहे तो करें। हाँ और सर पायरेटेड वर्जन में, पायरेटेड वर्जन में क्या रहता है सर, अगर उसको इंस्टॉल करना चाहे कहीं से? तो सर पायरेटेड वर्जन तो जो एप्लीकेशन को क्रैक करके होता है, क्या होता है कि आपका ऑफिस 95 एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर